गन्नौर से निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कादियान ने वीरवार को अपने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत भौरा रसूलपुर अटायल बिलंदपुर खेड़ी नया बांस समसपुर गामड़ा अहीर माजरा खेड़ी गुर्जर से की। यहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और बुजुर्गों ने सिर पर हाथ रखकर जीत का आशीर्वाद दिया। कादियान ने कहा कि हलके की जनता के प्यार व आशीर्वाद ने उन्हें अधिक शक्ति प्रदान की है। लोगों के हितों की लड़ाई को वह किसी स्तर पर कमजोर नहीं पड़ने देंगे। देखें सोनीपत से आदेश त्यागी की यह रिपोर्ट। अभी हम अटायल गांव में हैं और इस चौपाल में एक कार्यक्रम था। 36 बिरादरी के लोग, हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति सब इस कार्यक्रम में पहुंचे थे और सबने जिस तरीके से 12 तारीख को नामांकन वाले दिन एक ऐतिहासिक रैली के रूप में आक्रोश रैली का उसको रूप दिया और वहां जाकर मेरे कंधों पे हाथ रखा, मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा था कि बेटा ये जो चुनाव है ये अब 36 बरादरी का पूरे गन्नौर हलके का चुनाव है, आप अपना ख्याल रखिए, अब ये चुनाव हम स्वयं लड़ेंगे, पूरा गन्नौर हलका और 36 बरादरी लड़ेगी। देखिए आपने कहा लोगों ने हौसला बढ़ाया है, मैं कहता हूँ गांव राम होता है, जब गांव खड़ा हो जाता है तो वो परमात्मा की आवाज हो जाती है। मेरे साथ गांव राम है और 36 बिरादरी के लोग हैं, अब मेरे अंदर दोबारा हौसला आया है। पार्टी वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे मारने की, मेरी मजदूरी रखी गई, मेरे को जलित किया गया, लेकिन मेरे अपनों ने मुझे संभाला है और मुझे पूरी उम्मीद है इन्होंने फैसला कर लिया है अपने बेटे को अपने भाई को चंडीगढ़ भेजना है और चंडीगढ़ भेजने के बाद हमारे ये बुजुर्ग तय करेंगे कि बेटा अगला रास्ता कौन सा तय करना है।